हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको अगर टेबल के अंदर एजैक्स से जो डेटा आप रीड कर रहे हैं, अगर आप उसे टेबल के अंदर दिखाना चाहते हैं तो आपको कैसे दिखाना है। तो यहां पर जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है नेटबीन्स आईडी के अंदर, ये जो प्रोजेक्ट का जो फाइल है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर सेटअप कर सकते हैं। मेरे एंगुलर जेएस ट्यूटोरियल सीरीज में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको एजैक्स का जो प्रोजेक्ट है वो आपको कैसे सेटअप करना है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि इन फाइल्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है नेटबीन्स आईडी के अंदर, डेटाबेस के अंदर कैसे वो टेबल क्रिएट करना है जिससे आज हम लोग डेटा को रीड करेंगे, डायनामिक जेसन फाइल जो है लेंगे और उसके डेटा को जो है हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे एंगुलर जेएस में। तो यहाँ पर मैंने अपने डेटाबेस के अंदर प्रोफाइल्स का एक टेबल बनाया, उसके अंदर ये डेटा मौजूद है। हम लोग अपने HTML पेज पर एक इनपुट फील्ड लगाएंगे, उसमें हम यूजर से पूछेंगे कि कोई किसी का नाम लिखे। जैसे वो किसी का नाम लिखेगा तो उसमें जो अल्फाबेट्स होंगे अगर वो किसी के भी नेम पर यहाँ पर मैच करेगा तो उसको डेटा हम लोग आउटपुट में दिखा देंगे एजैक्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपको नेटबीन्स आईडी के अंदर जो है डायनेमिक जेसन करके जो फोल्डर है उसमें से प्रोफाइल्स जेसन डॉट पीएचपी वाला फाइल ओपन कर लेना है। इसके अंदर वो कोड लिखा है जिसकी मदद से मैंने वो वाला डायनेमिक जेसन फाइल बनाया है जो कि प्रोफाइल पर जो टेबल्स के अंदर जो नेम मौजूद है उसको मैच करके जनरेट करेगा। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, रन फाइल पर आपको क्लिक करना है और मेरा जो एग्जाम्प है वो इस समय रन कर रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एड्रेस बार में जाके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और नेम करके जो गेट वेरिएबल है अगर आप वो बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नेम वाला गेट वेरिएबल का ही यूज किया यहाँ पर और उसको उसकी मदद से जो ये SQL क्वेरी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने SQL क्वेरी में जो वाइल्ड कार्ड होता है उसका मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर ये क्वेरी क्या कर रहा है, ये क्वेरी ये कर रहा है कि गेट वेरिएबल पर जो हमें वैल्यू मिलेगा नेम पर उसको लेगा, मैच करेगा टेबल के अंदर जो नेम कॉलम पे जो वैल्यूज मौजूद है क्या उनमें कोई मैच बन रहा है। अगर बन रहा है तो डेटा हमें आउटपुट में मिल जाएगा और फिर हम लोग डायनामिक जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाके नेम की जगह से मैंने ए लिख दिया। अगर किसी के भी नाम में ए आता हो तो इन सब का डेटा हमें आउटपुट में चाहिए। तो ये देखिए आ गया यहाँ पर, तो ये जो फाइल है वर्क कर रहा है। अब हम लोग अपने कोड में वापस जाते हैं और टेबल डॉट एजैक्स करके जो फाइल है इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके अंदर अपना हम लोग जो है एंगुलर जेएस का कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे एजैक्स वाले फीचर का यूज करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंट्रोलर बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे प्रोफाइल्स एजैक्स रखा है। फिर आपको कस्टम डॉट जेएस फाइल को ओपन करना है जो कि जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर मौजूद है। उसके अंदर इस फाइल के अंदर सबसे नीचे आके जो कंट्रोलर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका बॉडी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो हम लोग अपने इस टेबल्स एजैक्स डॉट पीएचपी फाइल के अंदर सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि प्रोफाइल जो है उसका आपको नाम लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग का यूज करेंगे, किस तरह का इनपुट ले रहा है, टेक्स्ट टाइप का इनपुट ले रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ng-model लिखना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम मैंने यहाँ पे नेम रख दिया या फिर मैं यहाँ पे यूजर नेम रख देता हूँ। ये वाला वेरिएबल इस इनपुट फील्ड पर दिए गए वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यूजर नेम लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ng-change करके जो एंगुलर जेएस में इवेंट होता है उसका यूज करेंगे। ये इवेंट तब एक्टिवेट होता है जब आप इस इनपुट फील्ड में कोई भी चेंजेस करेंगे। चेंज करने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा या रिमूव किया तो एक चेंज है, जैसे आप करेंगे ये वाला इवेंट एग्जीक्यूट होगा। और इस वाले इवेंट के एग्जीक्यूट होने पर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन का नाम देंगे जो कि इस इवेंट के कॉल होने पर या एग्जीक्यूट होने पर इस फंक्शन को कॉल करेगा। फिर इस फंक्शन के बॉडी के अंदर जो भी कोड मौजूद होगा वो आउटपुट में आपके सामने आ जाएगा। ये वाला फंक्शन जो है हम लोग अपने कस्टम डॉट जेएस फाइल के अंदर जो हम लोगों ने अपना कंट्रोलर बनाया उसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर जो साइज वाला आपका एट्रीब्यूट होता है वो भी हम लोग लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे HR टैग का यूज कर लेते हैं, जो HTML में HR टैग होता है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपके HTML पेज पे बना देता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटा हुआ, तो मैंने उसका यूज कर लिया। फिर हम लोग अपने कस्टम डॉट जेएस फाइल में वापस जाएंगे। अब हमें यहाँ पर वो वाला फंक्शन बनाना है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये ng चेंज वाले डायरेक्टिव जो होता है एंगुलर जेएस में इवेंट वाला डायरेक्टिव उसके अंदर यूज किया। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डॉलर स्कोप लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, CTRL V दबा के फंक्शन का नाम कॉपी पेस्ट कर देंगे, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर जाके आपको जो है अब एजैक्स वाला फीचर का यूज करना है, तो आपको HTTP वाले सर्विस का यूज करना होगा। तो आपको डॉलर HTTP लिखना है, करली ब्रैकेट लगाना है, डॉट लगाना है, देन लिखना है। इस देन फंक्शन के पैरामीटर में आपको दो फंक्शन क्रिएट करना है जो कि कॉल बैक फंक्शन होगा। सबसे पहला वाला फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका एजैक्स का जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि उसमें कोई भी एरर नहीं जनरेट हुआ है।
दूसरा वाला जो फंक्शन है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई एरर जनरेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको रिस्पॉन्स वाला जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना होगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन हम लोग बनाएंगे, जब भी सर्वर की तरफ से क्लाइंट की तरफ कोई डेटा भेजा जाता है तो हम लोग उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे फिर से रिस्पॉन्स लिख दिया। यहाँ पे गए हम लोग, एंटर दबाना है, यहाँ पर एंटर दबाइए। इस वाले के पैरेंथेसिस के अंदर आके आपको करली ब्रैकेट लगाना है, एंटर दबाना है। ये भी आपका एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेथड लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर बताएंगे कौन से HTTP मेथड का यूज करके हम लोग जो है एजैक्स वाला रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, गेट वाला में मेथड का यूज करना है HTTP में। URL लिख के ये बताएंगे कि कौन सी URL पे आपको डेटा भेजना है। तो ये पता करने के लिए आप अपने प्रोफाइल्स json.php फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए, रन फाइल पे क्लिक करिए, एड्रेस बार में जाइए, कंट्रोल सी दबा के URL को कॉपी करिए, वापस आइए कोड में, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, CTRL V दबा के पेस्ट कर दीजिए। अब आपको अपने URL में एक गेट वेरिएबल बनाना होगा। गेट वेरिएबल का नाम वही होगा जो कि आपने यहाँ पे यूज किया आपने प्रोफाइल्स json.php फाइल में। क्या है यहाँ पर वेरिएबल का नाम? नेम है। तो हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। अब इस वेरिएबल पर हमें वैल्यू सेट करना होगा, वो वैल्यू जो हमें मिलेगा वो हमें इस इनपुट फील्ड से मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ng मॉडल डायरेक्टिव का यूज करके जो हम लोगों ने ये क्रिएट किया यूजर नेम वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, अपने यहाँ पर डॉलर स्कोप लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और यूजर नेम लिख देंगे। उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने इस फंक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पर जाके हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम जो रिकॉर्ड्स होगा, और वो वाला वेरिएबल जो होगा हमारे पास जो डायनामिक जेसन आ रहा है उसमें एक रिकॉर्ड्स करके की है, उसके वैल्यू को ये रिकॉर्ड्स वाला वेरिएबल स्टोर करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रॉ डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे इस पूरे जेसन फाइल के अंदर सबसे पहला रिकॉर्ड्स वाला की है, उसके अंदर एरे टाइप का डेटा मौजूद है, और उसके एरे टाइप के डेटा के अंदर क्या है आपको यहाँ पे जेसन टाइप का डेटा इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये पहला वाला हो गया, फिर दूसरा वाला हो गया, और ये जो है आपके यहाँ पे जेसन टाइप का जो डेटा है, हम कहें जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, ये क्या है एक यूजर का जो डेटा यहाँ पे इसने स्टोर किया कि यूजर का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है उसका, और इसका ईमेल क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर आप और भी कुछ की देख पाएंगे जो कि एरे के बाहर बने, जो कि एक स्टेटस करके की है और एक मैसेज करके की है। इनका भी डेटा आप रीड कर सकते हैं पर हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे। तो हम लोग को जो रिकॉर्ड्स वाले की पर मौजूद डेटा को हमें रीड करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स लिखना है, डॉट लगाना है, डेटा लिखना है। जब आप रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा डेटा मिलता है, पर पूरा डेटा हमें चाहिए नहीं। तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगा के रिकॉर्ड्स लिख देंगे, सेमीकॉलन लगा देंगे। अगर आपको स्टेटस और मैसेज पर मौजूद डेटा को अगर आपको एक्सेस करना होता तो आप दो बार चाहे इसको कॉपी पेस्ट करिए, यहाँ पे स्टेटस लिख दीजिए और यहाँ पर जाके मैसेज लिख दीजिए, फिर हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो है आपको स्टेटस और मैसेज की पर मौजूद जो डेटा है, जो डायनामिक जेसन फाइल्स आपको मिल रहा है, वो भी आप यहाँ पे रीड कर पाएंगे। उसके बाद जो ये एरर वाला फंक्शन है इसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अब जो है हमारा डेटा जो है डायनामिक जेसन फाइल से इसके अंदर आ चुका है। अब हम लोग इस डेटा को जो है ng रिपीट करके जो डायरेक्टरी होता है उसका यूज करके टेबल के अंदर जो हम लोग रो क्रिएट करेंगे उसकी मदद से आउटपुट में दिखा देंगे। तो आपको अपने टेबल ajax.php वाले फाइल के अंदर जाना है, इसके अंदर जाके आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको टेबल टैग का यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर लिखेंगे, एट्रीब्यूट एक जो है 1 पिक्सल का जो बॉर्डर बना देंगे टेबल के इर्द गिर्द। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस टेबल के अंदर आएंगे और यहाँ पर जाके हम लोग सबसे पहले एक tr टैग का यूज करेंगे, यानी कि टेबल रो क्रिएट करेंगे। इसमें हम लोग कुछ टेबल हेड क्रिएट करेंगे। टेबल हेड में सबसे पहला जो टेबल हेड होगा वो आपका नेम वाला होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दूसरा वाला जो होगा वो आपका पासवर्ड वाला जो डेटा होगा उसके लिए टेबल का हेड होगा। टेबल का हेड का मतलब कॉलम का नाम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल वाला दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे एंटर दबाइए, Ctrl+V दबा के पेस्ट करिए। फिर हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, td टैग का यूज करेंगे, यानी कि टेबल डेटा टैग का यूज करके इन कॉलम पर मौजूद जो डेटा हमें दिखाना है वो हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया। और यहाँ पर आपको tr टैग में जाके आपको ng रिपीट करके जो डायरेक्टरी होता है आपको उसका यूज करना है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे x रखा। फिर आपको इन लिखना है, फिर आपको रिकॉर्ड्स लिखना है। रिकॉर्ड्स आपका वही वाला वेरिएबल है जो कि यहाँ पे ये वाला वेरिएबल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
टीडी टैग के अंदर एक्सप्रेशन का यूज करके एक्स डॉट लिखेंगे, सबसे पहले वाला कॉलम का नाम क्या है, नेम, यानी कि नेम वाले की पर मौजूद डेटा को हम दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नेम लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इसी कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे एंटर दबाया, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दिया, की वैल्यूज को चेंज करते हैं, पासवर्ड हमको दिखाना तो हमने पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है ईमेल लिख दिया, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको ng रिपीट वाला जो डायरेक्टरी होता है उसी html टैग में यूज करना होता है जिसका रिपीटेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसका यूज नहीं करता तो मुझे क्या करना होता कि ये tr टैग एक बार और कॉपी पेस्ट करना होता, एक बार और करना होता, तब जाके हम लोग डेटा दिखा पाते जो हमारे पास एरे में मौजूद है। तो मतलब हम लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते tr टैग का जो रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे ही टैग में आपको ng रिपीट का यूज करना होता है, सिर्फ एक बार आपको यहाँ पे लिख देना है यहाँ पर। और इस टेबल के ऊपर कुछ स्टाइलिंग का भी कोड मैंने जो यहाँ पे लिख के रखा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग CTRL A दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, कोड का फॉर्मेटिंग जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके रन फाइल पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल में जाके कोई वैल्यू लिखेंगे तो आप देखिए जैसे ही आप लिखेंगे Ajax की मदद से रिक्वेस्ट आपके सर्वर साइड कोड पे गया, यानी कि और जो आपका प्रोफाइल्स json.php फाइल था उस पर गया और वहां पर उसने मैच किया क्या किसी के भी नेम में ए वाला अल्फाबेट आता है। अगर आता है तो उसके जो वैल्यूज है मैं आउटपुट में दिखाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, देखिए ये आ गया, फिर जैसे मैंने ये लिख दिया ये आ गया, फिर मैंने जैसे लिख दिया तो ये आप देख सकते ये आ जा रहा है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये देखिए आपका ये आ गया। तो इस तरीके से जो है ये आपका काम करने लगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ए लिखते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें से जो डेटा है वो आपका मतलब शॉर्टेड ऑर्डर में आए, यानी कि जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में हो, यानी कि ऑर्डरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उस केस में ऑर्डर बाई करके जो एक फिल्टर होता है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे ng रिपीट रिकॉर्ड्स में, यहाँ पर ये वाला और वाला ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखना होता है इस तरीके से। फिर आपको कॉलन लगाना है, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर आपको ये बताना है कि आपके पास जो ये डायनेमिक जेसन आ रहा है उसके अंदर कौन से की पर मौजूद डेटा को यूज करके आप ऑर्डरिंग करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे नेम का यूज करके करना है, और यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे की का वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो कि आपके डायनेमिक जेसन फाइल में मौजूद है। ये देखिए नेम यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। उसके बाद आप जो है अपने वेब ब्राउजर पे वापस जाइएगा, फिर हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब जब आप ए लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सबका नाम यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर वाला काम कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो टेबल बनाया, अगर आप यहाँ पर टेबल के इधर जो है सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 लिख के आए, 2 लिख के आए, 3 लिख के आए, इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये भी आप एंगुलर जेएस में कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कोड में वापस जाना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो कॉलम का हम लोगों ने नाम बनाया था, यहाँ पे एक और जो है कॉलम का नाम बना देते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर आना है और यहाँ पर फिर से आपको एक टीडी टैग का यूज करना होगा। इसके अंदर जाके आपको जो है एक्सप्रेशन का यूज करना है और उसके अंदर जाके आपको डॉलर इंडेक्स लिखना है। ये लिखते ही जो आपका एक सीरियल नंबर आपके टेबल में ऐड हो जाएगा। हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे वापस जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सीरियल नंबर वाला कॉलम आ गया। जैसे ही मैं ए लिखूंगा तो ये देखिए नंबर यहाँ पर ऐड हो गए। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि नंबर जो है जीरो से ऐड हो रहा है, लेकिन मैं जो जीरो से नहीं वन से चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, आप अपने इस डॉलर इंडेक्स में वन ऐड कर दीजिए, बस हो गया। वेब ब्राउजर पर वापस जाइए, पेज को रिफ्रेश करिए, ए लिखिए, देखिए ये हो गया। अगर आप वैल्यूज को चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो ये देखिए इस तरीके से आउटपुट आने लगेगा। तो अब अगर आपका इस वीडियो थोड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।